दोस्तों, जैसा मैंने आपको बोला था, आज हम साइंस सेंटर सूरत के टूर पे आए हैं और मैं साइंस सेंटर की बिल्डिंग के सामने ही खड़ा हूँ। आपको पीछे साइंस सेंटर सूरत का बोर्ड भी दिख रहा होगा और आपको अपने पीछे भी दिखाता हूँ कि ये साइंस सेंटर की बड़ी सी बिल्डिंग मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो अब हम साइंस सेंटर का टूर स्टार्ट करते हैं और यहाँ के जितने भी अट्रैक्शंस हैं वो एक एक करके मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। ये देखिए, ये बड़ा सा जो आप ग्राउंड देख रहे हैं ये भी साइंस सेंटर का ही पार्ट है। यहाँ पे काफ़ी सारा सेटिंग स्पेस है और काफ़ी बड़े एरिया में ये बना हुआ है। इस साइंस सेंटर की पूरी बिल्डिंग एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, और फिर हम इसके अंदर चल के देखते हैं कि अंदर इसमें क्या क्या अट्रैक्शंस हैं। पहले आप ये बाहर का जायजा ले लीजिए। यदि आप फैमिली और अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आते हैं तो बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी सारी जगह मुझे यहाँ दिख रही है। अच्छा सेटिंग स्पेस है जहाँ बैठ सकते हैं, प्लस काफ़ी बड़ा सा यहाँ ग्राउंड है जिसपे कि बच्चे अपना एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्डिंग का पूरा व्यू यहाँ से दिख रहा है। इसके बाद हम चलते हैं साइंस सेंटर के अंदर। दोस्तों, बाहर तो काफ़ी घूम लिया, अब साइंस सेंटर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। एक विशालकाय पक्षी का एक आकृति बनी हुई है। ये देखिए, यहाँ का एक 360 व्यू, बिल्डिंग के बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ और फिर हम बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। देखिए टिकट काउंटर और एंट्री से जस्ट पहले का जो लॉबी एरिया है उसका दृश्य। ये उसका मेन एंट्रेंस। ये साइंस सेंटर बिल्डिंग का पूरा बड़ा एक मॉडल यहाँ रखा है।
दोस्तों साइंस सेंटर का वीडियो मैंने कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन सच बताऊँ तो इस वीडियो को बनाने में मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि साइंस सेंटर में जब मैं एंट्री कर रहा था तो वहाँ पे इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे वीडियोग्राफी को और शूटिंग को लेके कि वहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था वीडियो बनाना। और जब भी मैं वीडियो बना रहा था या कोई चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा था तो बार बार वो लोग आके मुझे इंटरप्ट कर रहे थे। तो फिर भी मैंने कोशिश की कि जितना संभव हो सके साइंस सेंटर का पूरा व्यू एक बार आपको दिखा दूँ, आपको पूरा फील आ जाएगी ये साइंस सेंटर किस तरह का है। तो मुझे लगता है कि उसमें तो मैं कामयाब हो गया और मैंने मैक्सिमम चीज़ों को वहाँ पर शूट करके अपने कैमरे में कैद कर लिया। यदि आपको मेरा ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।